एलोपेशिया एरियाटा बहुत ही कॉमन हेयर प्रॉब्लम आजकल होने लगी है। जब से कोविड हुआ है तो कोरोना की वजह से, फिर कोरोना का वैक्सीन लेने की वजह से, कोरोना के टाइम लोग फाइनेंशियली साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में आने लगे थे, उसकी वजह से काफ़ी लोग सनलाइट में ज़्यादा जा नहीं रहे थे, तो विटामिन D3 की वजह से, उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से, ऐसे मल्टीपल रीजंस की वजह से एलोपेशिया एरियाटा आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। एलोपेशिया एरियाटा दोस्तों होता क्या है, इसमें बाल्ड पैचिस आते हैं, कुछ एरिया में से सडनली एक सारे बाल फॉल हो जाते हैं, वहाँ पे रीग्रोथ होना मुश्किल हो जाता है, तो सडन पैचेस नोटिस करते हैं। मेल्स में कई बार सलून वाले बताते हैं कि भाई यहाँ से आपके बाल चले गए, फीमेल्स में भी कई बार आप उनके कॉम्बिंग और हेयर ऑयलिंग के टाइम में पता चलता है कि अचानक से एक एरिया में से बाल चले गए। तो इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन नाउडेज। मेरे पास रेगुलरली काफ़ी पेशेंट आते हैं, उनमें हम रेगुलरली कुछ ट्रीटमेंट अपडेट्स करते जाते हैं, तो ऐसा ही कंडीशन है। ये होता कैसे है, तो जो वायरल इन्फेक्शन, थायराइड, विटामिन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों से बॉडी में इम्यूनिटी में चेंजेस आता है। बॉडी में ब्लड में टी सेल नाम के एक सेल्स होते हैं जो अपने वायरस, बैक्टीरियाज और ख़राब चीज़ों को किल करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वो टी सेल्स है अपने बालों को भी डैमेज करने लगते हैं, उनकी जड़ों में एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वहाँ की जड़ें काम नहीं करती, वो इनएक्टिवेट हो जाती है। वो लाइव होती है पर इनएक्टिवेट हो जाती है, मीन्स वो वापस ग्रो कर सकती है पर वो टेम्पररी हेयर बनाना बंद कर देती है और वो जो बाल बना है वो गायब हो जाता है। तो टी सेल से जब जड़ों में नुकसान हो जाता है, एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है। और इसका सिंपल एक साइन दिखता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ मेजोरिटी हेयर्स चले जाते हैं। अगर आपका एलोपेशिया एरियाटा हुआ है तो आपको दो तीन चीज़ें जरूर ध्यान में देनी है। एक तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छे से करेक्ट करने लगना है, आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के मिलके उसका ट्रीटमेंट प्लान अच्छे से कवर करना है। एलोपेशिया एरियाटा दो स्टेज में हो सकते हैं, एक प्रोग्रेसिव एंड स्टेबल। आपको कैसे पता चलेगा कि एलोपेशिया एरियाटा प्रोग्रेसिव या स्टेबल, तो कैसे कर सकते हैं, ये जो पेरिफेरी के हेयर्स है जहाँ पे पैच आया है उसके आजू बाजू के बाल हल्का सा प्रेशर दे के आप खींच के देखिए, जिसको बोलते हैं हेयर पुल टेस्ट। मीन्स अगर वहाँ पर बाल जा रहे हैं तो मीन्स ये पैच और बड़ा होने वाला है, मीन्स वो आगे जाके प्रोग्रेस करेगा और दूसरी जगह पे आएगा। दूसरा, अगर अचानक से आपका हेयर फॉल बढ़ने लग रहा है बॉडी में, आप हमेशा नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि और जगह पे पैचेस आ रहे हैं कि नहीं, तो वो एक ध्यान देना है। ये कोई भी एज में हो सकता है, मोस्टली यंग एडल्ट एज में और थोड़ा मिड एडल्ट एज में ज़्यादा होता है। तो अगर आपको भी ऐसा पैच आया है तो आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो ट्राइकोस्कोपी करके चेक करेंगे कि वो पक्का एलोपेशिया एरियाटा ही है या दूसरी कंडीशन है कि नहीं, आपके रूट कॉज रूल आउट करेंगे कि क्या रीज़न से ये ट्रिगर हुआ है और उसका एक मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। अगर ये प्रोग्रेसिव है तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट बाय डर्मेटोलॉजिस्ट लेना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बॉडी में नए वालों में इम्यूनिटी की वजह से डैमेज ना हो जाए। अगर लोकलाइज और स्टेबल है तो वहाँ पर हम प्रॉपर वे में अटैकिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि वाले पैच में रीग्रोथ जल्दी हो। तो बालों की जड़ों को स्टिम्युलेट करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक प्रोपराइटरी मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है। कई बार हमें स्टिमुलेंट वाम के मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लोशंस आते हैं, वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। टॉपिकल स्टीरॉयड की क्रीम्स भी इसमें अच्छी हेल्पफुल रहती है, वो प्रोग्रेस रोक भी लेती है और नए बालों को भी जल्दी लाती है। ये पेशेंट के केस में हमने 4-5 महीने मेडिसिन दी, विटामिन दिए, उनके ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आए, तो हमने जजमेंट दिया कि ये दवाइयों से नहीं जा रहा है, तो हमने इंजेक्टेबल थेरेपी का सहारा लिया। तो इनके केस में हमने लाइट थेरेपी और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन दिया, जिसमें हमने मीजोथेरेपी, उसके साथ एक्जेमर लाइट थेरेपी और इंजेक्शन ट्राइमसिनोलोन एसिनोट का कॉम्बिनेशन दिया। तो उनके एरिया में आप देख रहे हो थोड़ी बहुत रिग्रोथ विद इन अ मंथ होने लगी। सेकेंड इंजेक्शन हमने ये पेरिफेरी में दिया, तो वहाँ पे भी हमें पता चल गया कि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है और मोस्टली 2-3 महीने में वो पूरा पैच उनका रिकवर हो गया। तो अभी पेशेंट का जो स्काल्प है ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा दिखने लगा, पहले ऐसा था अभी ऐसा है, और आगे जाके वो और इम्प्रूव होके अलग जगह पे सेट हो गया। उनके दूसरे 2-3 पैचेस भी थे सिमिलर वे में थे, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मेडिसिन से दिखने लगा और ऑलमोस्ट 1 साल होते हुए पूरा का पूरा स्काल भर गया। तो ऐसे पैचेस में आपको 2 से 3 महीने में रिग्रोथ चालू हो जाती है और 1 साल में आप वापस बैक टू नॉर्मल पे पहुँच जाते हो। आगे जाके बस अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, अच्छी हेल्थ के लिए जो डाइट होती है वो फॉलो करनी है, तो आपको डेफिनेटली ऐसे पैचेस से आराम से छुटकारा मिलेगा और वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हो हेयर रिलेटेड, तो हमारे वीडियो से डेफिनेटली आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा। एंड अगर आपको हमें कंसल्ट करना है तो हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हो,
ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आपको नंबर दिया गया है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस हमें बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले रहे, इसलिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।